इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। इंडिया भारत की बहस पर भड़की सीएम केजरीवाल ने क्या चेतावनी दी, ध्रुव राठी का आया रिएक्शन, वीरेंद्र सहवाग हुए बुरी तरह ट्रोल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 सितंबर को मीडिया के सामने आए तो वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर भारत इंडिया नाम की बहस पर खूब बरसे। अरविंद केजरीवाल ने G20 समिट में डिनर के लिए भारत के राष्ट्रपति वाले आमंत्रण पत्र पर भी अपनी बात रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अपना एक गठबंधन बनाया और उसको इंडिया नाम दिया। क्या विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया बन जाता है तो वह देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। मान लीजिए कल इस इंडिया गठबंधन ने अपना नाम बदल कर भारत रख लिया, फिर क्या भारत भी बदल देंगे? क्या भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? फिर भारत का नाम क्या रखेंगे? ये क्या मजाक है? इंडिया और भारत वाले मुद्दे पर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, अगर विपक्षी गठबंधन खुद को मोदी कहता है तो फिर मुझे लगता है कि मोदी असुरक्षा की भावना से अपना नाम बदल लेंगे। कांग्रेस सदस्य शिवानी वर्मा ने लिखा, भाजपा वाले इंडिया गठबंधन में इतना घबरा गए हैं कि हमारे देश का नाम ही बदल के आप सिर्फ भारत रखना चाह रहे हैं। इसरो, IIT, IIM, IPS इन सभी में आई का मतलब भारत होता है। हम इंडिया और भारत दोनों नामों में गर्व महसूस करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा, एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने आज इस देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवालिया निशान लग रहे हैं, हमारे नाम पर लोग फप्तियां कस रहे हैं, अपनी माँ के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है मोदी जी? पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हम में गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया। मैं BCCI के जय शाह से आग्रह करता हूँ कि वो सुनिश्चित करें कि इस विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत हो। सहवाग को जवाब देते हुए एक यूजर ने कहा, जिंदगी भर अंग्रेजों का बनाया खेल खेल कर नाम कमाया, इज्जत कमाई, शहरत और पैसा कमाया, तब नहीं लग रहा ओरिजिनल भारतीय गिल्ली डंडा खेल लेते। RJD सांसद मनोज कुमार झा ने लिखा, कुछ क्रिकेट वाले, कुछ फिल्म वाले, कुछ पत्रकार टाइप मित्रगण इंडिया बनाम भारत के फिजूल के युग्मक में कूद गए हैं। संविधान का पक्ष देखिए, फिर इंडिया और भारत नाम की व्युत्पत्ति की थोड़ी जानकारी लीजिए क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर उपलब्ध नहीं है, बाकी मूर्ता जिंदाबाद का वक्त है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।